हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वासिम्पल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। बिहार उद्यमी योजना, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उद्यमी योजना के तहत सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए की सहायता राशि यहाँ पर मिलती है, जिसमें 5 लाख रुपए का सब्सिडी रहता है। 5 लाख आपको रिटर्न करने होते हैं 84 किस्तों में। इसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई है। अगर आपका पहला किस्त आ गया है तो सेकेंड किस्त नहीं आएगा, अगर आपने जो मैं बता रहा हूँ वो काम नहीं किया तो। साथ ही साथ एक और सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है कि बिचौलियों से आपको बचना है। हालांकि इसके बारे में तो हमने आपको जानकारी दिया ही है कि किसी भी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है, चाहे आपको 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 8 महीना, यहाँ तक कि साल भर भी लग जाए तो आपको बिचौलियों के चक्कर में नहीं पड़ना है। ऐसा नहीं है कि कोई बिचौलिया आपसे कह रहा है, बिचौलिया मतलब उसको सीधे लैंग्वेज में हम दलाल कहते हैं, ठीक है। कोई दलाल आपसे कह रहा है कि आप इतना पैसा दे दो हम आपका काम करवा देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप जान लीजिए यहाँ पर सबसे पहले, तो कमेंट करके हमें नीचे बताइए आप कि आपने पहला किस्त पा लिया या फिर नहीं पाया, ठीक है, ज़रूर से बताइए। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2023 के 1745 लाभुकों को प्रथम किस्त के रूप में 69,80,00,000 की राशि दे दी गई है। सोमवार को उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा कि योजना के लाभुक को जो भी हैं, योजना के लाभदार जो भी हैं, वो बिचौलियों से बचें। जो 10 लाख रुपए से अपना व्यवसाय चालू कर रहे हैं उन्हें लाभ लेने में 6 माह से 1 साल तक का समय लग जाए, लेकिन एक बार उद्योग चल निकलेगा तो आप सभी उद्यमी हर महीने के लाखों 10 लाख रुपए तक आप कमा सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है। बाकी जो भी योजना से रिलेटेड जानकारी है अभी हम आपको पोर्टल पर लेकर चलते हैं और वहाँ पर बताते हैं पूरा जानकारी विस्तार से, क्या क्या आपको अपलोड करना है। बहुत सारे लोग जो है ना, वो जो स्लिप है वो गलत अपलोड कर दे रहे हैं, कहीं से बनवा के कर दे रहे हैं, तो इसमें आपका क्या होगा कि आपका जो पैसा है वो भी नहीं आएगा और जो आपको राशि मिला है वो भी आपसे वसूली कर लिया जाएगा, आप पर कार्रवाई होगी, FIR भी आप पर हो सकता है। आइए पोर्टल पर लेकर चलते हैं, हम आपको क्या क्या नया अपडेट निकल कर आया है उसके बारे में विस्तार से समझेंगे, चलिए। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप udyami.bihar.gov.in का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से आवेदन ऑनलाइन किया गया था। हर साल यहाँ पर आवेदन होता है, तो अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया, आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अभी, ठीक है। जब नया आवेदन होगा तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल यहाँ पर बताया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लोगों, ये माननीय मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी हैं और ये बिहार के माननीय उद्योग मंत्री जो कि समीर कुमार महासेठ हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रहा है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में चयनित लाभुकों के लिए GST एवं करेंट अकाउंट देने की अंतिम तिथि 28/2/2023 है, यानी आज का दिन ही है। तो जिन लोगों का चयन लिस्ट में नाम आ चुका है, जिन लोगों को पैसे मिल चुके हैं फर्स्ट किस्त, ठीक है, उनको जो है अपना GST और करेंट अकाउंट देने की उनकी तिथि 28/2/2023 तक बढ़ाई गई है। आवेदक को ये अंतिम अवसर है, इसके बाद उनको फिर मौका नहीं मिलेगा। बाद में नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है, यहीं पर सब कुछ दिया गया है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के चयन समिति द्वारा आज निर्णय लिया गया है कि जिन चयनित लाभुकों ने सही दस्तावेज नहीं दिए हैं या अपठनीय गलत दस्तावेज दिए हैं उन्हें अंतिम मौका दिया जाए। ये दस्तावेज पोर्टल के माध्यम से अपलोड होंगे। अंतिम तिथि 28/2/2023 है। आवेदक को ये अंतिम मौका अवसर है, इसके बाद उन्हें मौका नहीं मिलेगा। चयनित उद्यमियों को यह फॉर्म भर के पोर्टल पर अपलोड करना है। ये तो जो भी चयनित हो चुके थे उन्होंने अपलोड कर ही दिया होगा, ठीक है, ये वाला अपलोड कर ही दिया होगा। ये नए लोग भी देख लें जो आवेदन करेंगे बाद में, ठीक है, ताकि वो भी अच्छे तरीके से आवेदन कर सकें। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2022-23 के कैटेगरी सी लाभुकों को सेड मार्च 2023 तक तैयार होंगे। सेड नंबर 31/1/2023 तक अलॉट कर दिए जाएंगे। मात्र कैटेगरी सी के लिए GST और करेंट अकाउंट की अंतिम तिथि 28/2/2023 होगी, ठीक है। सेड नंबर अलॉटमेंट के बाद GST अप्लाई करें। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की द्वितीय किस्त हेतु कुछ लाभुकों द्वारा फर्जी बिल, उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि देने की सूचना मिली है। इसकी जांच करते हुए संबंधित लाभुक और सप्लायर पर FIR कर दी गई है, ठीक है। राशि वसूलने की कार्रवाई की जा रही है, जो फर्जी दस्तावेज दिए हैं ना उनसे राशि भी वसूली की जाएगी। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में द्वितीय किस्त के लिए बिल, उपयोगिता प्रमाण पत्र, फोटो आदि 31/1/2023 तक पोर्टल पर अपलोड करना था, यह तिथि 28/2/2023 तक बढ़ा दी गई है।
तो पहली किस्त का सही उपयोग करते हुए बिल और यूसी पोर्टल पर अपलोड करेंगे। अंतिम तिथि तक अपलोड नहीं करने पर आगे की राशि नहीं मिलेगी और आपकी राशि जो है वो भी आपसे लौटा ली जाएगी, यानी आपसे पैसे जो है वो वसूल कर लिए जाएंगे। तो आज हो गया 28 2, ठीक है, 28/2/2023 आज तक ही डेट था, मैंने आपको बता दिया। जितना जल्दी से जल्दी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और जो लोग नहीं काम किए हैं ये काम वो जल्दी से कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।